मोलेकुलर लेवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल हायरार्की में एटम्स के बाद अगला बड़ा लेवल है। एटम्स आइसोलेटेड पार्टिकल्स के तौर पर अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार नहीं रख सकते। एटम्स को अपनी एग्जिस्टेंस सस्टेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म अक्वायर करना पड़ती है, जिसके लिए एटम्स केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस में एटम्स के ग्रुप्स के दरमियान मुख्तलिफ तरह के केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ये केमिकल बॉन्ड्स फ्रीक्वेंटली आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इन बॉन्ड्स के बनने के बाद एटम्स का एक स्टेबल ग्रुप बनता है, जिसको आप मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को बरकरार भी रख सकते हैं और मुख्तलिफ केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को दो बड़ी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इनमें से एक टाइप माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। आप जानते हैं माइक्रो से मुराद है छोटा, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट निहायत कम होगा। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स मौजूद होते हैं। और अगर आप इसका मोलेकुलर वेट कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन का वेट है 16 और कार्बन का वेट है 12। 16 × 2 = 32 + 12 = 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर वेट आपके पास आएगा। इसी तरह से अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें भी सिर्फ 3 एटम्स मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम। तो वाटर भी एक छोटा मॉलिक्यूल है और इसका मोलेकुलर वेट अगर आप कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन का वेट है 16, हाइड्रोजन का वेट है 1, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं तो 1 को 2 मरतबा काउंट करेंगे, 16 + 1 + 1 = 18 वाटर का मोलेकुलर वेट होता है। तो ये 44 और 18 बहुत कम मोलेकुलर वेट्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स और इन जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स की तादाद कम होती है और इनका मोलेकुलर वेट बहुत छोटा होता है, इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बरक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जिनमें एटम्स की तादाद हजारों में होती है और इनका मोलेकुलर वेट कई लाख तक भी जा सकता है। इन बड़े मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। लफ्ज मैक्रो का मतलब ही है बड़ा या ज्यादा। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल शामिल हैं और प्रोटीन्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड्स जैसा कि डीएनए, आरएनए वगैरह, और मुख्तलिफ पॉलीसैकेराइड्स जैसा कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह, इस तरह के मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स में शामिल होते हैं। और इन तमाम मॉलिक्यूल्स का साइज और इनका मोलेकुलर वेट काफी हद तक वेरी करता है और ये कई लाख तक भी इनका मोलेकुलर वेट जा सकता है। माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को एक और तरह से भी क्लासिफाई किया जाता है और वो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बनते हैं, लेकिन इनके अलावा सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली मौजूद होती है। ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको इस तरह के मिलेंगे जिनमें सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद है, और इसके अलावा आपको ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दीगर एलिमेंट्स, दीगर बायो एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। यहां पर आपको ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्लूकोज के अलावा डीएनए भी एक मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। डीएनए में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बायो एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बरक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज्यादातर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते।
تاہم یہ ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے ان آرگینک مالیکیولز کی. آپ کو بعض ایسے ان آرگینک مالیکیولز بھی مل سکتے ہیں جن میں کاربن اور ہائیڈروجن اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پر بائی کاربونیٹس, سوڈیم بائی کاربونیٹ, پوٹاشیم بائی کاربونیٹ وغیرہ. لیکن ان آرگینک مالیکیولز کا جو سورس ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ زمین سے نکلتے ہیں. مختلف طرح کے سالٹس, میٹل کے کمپاؤنڈز, یہ سب کے سب ان آرگینک مالیکیولز کہلاتے ہیں. تو لیونگ آرگینزمز میں مختلف طرح کے کئی میکرو, مائکرو, آرگینک اور ان آرگینک مالیکیولز موجود ہوتے ہیں.